नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। एलपीजी सिलेंडर को लेकर थोड़ी राहत की खबर है। 1 जून को सरकारी तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर दी है। 19 किलो वाला सिलेंडर 122 रुपये सस्ता हुआ है। गौरतलब है कि तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करने का काम करती हैं। इसलिए 1 जून 2021 से देश भर में सिलेंडर की कीमत घटने या बढ़ने के कयास लगाए जा रहे थे। इस फैसले से जनता ने राहत की सांस ली है। यह कटौती आज से प्रभावी हो गई है। अब 19 किलो का सिलेंडर 1473.50 रुपए में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 1595.50 रुपए थी। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रसोई गैस की बात करें तो अप्रैल की शुरुआत में घरेलू रसोई गैस 10 रुपए सस्ती हुई थी। इसके बाद दिल्ली में घरेलू गैस 809 रुपए में मिल रही है। अभी भी यही कीमत स्थिर है। गौरतलब है कि राज्य में टैक्स अलग अलग सरकार वसूलती है, जिसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर देखा जाता है। एलपीजी के दाम राज्य दर राज्य बदलते रहते हैं। दिल्ली में इसके दाम 1473.50 रुपए हैं, जबकि मुंबई में 1422.50 रुपए हैं। वहीं कोलकाता में 1544.50 रुपए और चेन्नई में 1603 रुपए प्रति 19 किलो सिलेंडर है। देखा जा रहा है कि इस साल की शुरुआत से ही रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां एलपीजी सिलेंडर का दाम फिलहाल 809 रुपए है। दिल्ली में इस साल जनवरी में एलपीजी सिलेंडर का दाम 694 रुपए था, जिसे फरवरी में बढ़ाकर 719 रुपए प्रति सिलेंडर किया गया। 15 फरवरी को दाम बढ़ाकर 769 रुपए कर दिए गए। इसके बाद 25 फरवरी को एलपीजी सिलेंडर के दाम 794 रुपए कर दिए गए। मार्च में एलपीजी सिलेंडर के प्राइस को 819 रुपए कर दिया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।